हे गाइस वेलकम बैक टू मोइन डीके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे कमाल के गैजेट्स जो आपको एंटरटेन करने से लेकर आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे और आप इनमें से कुछ गैजेट्स तो खरीद भी सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को पूरा आखिर तक ताकि आपसे कोई गैजेट मिस ना हो पाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10 अल्फ्रेड। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला होलोग्राफिक टॉकिंग असिस्टेंट है। यूं तो ये केवल रोबोटिक फीचर से भरा है लेकिन अगर आप इसकी बनावट को नजरअंदाज करें तो इसको आप एक इंसान से कम नहीं समझेंगे। अल्फ्रेड आपकी बातों को सुनता है, उसे फॉलो करता है और तो और इसके अंदर इतने हाई IQ डाले गए हैं कि ये आपकी बातों का सही सही जवाब भी देता है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला उसे अपने लिए ऑनलाइन शूज ढूंढने को कहती है और अल्फ्रेड उसके लिए उसके हिसाब से ऑनलाइन शूज भी ढूंढ कर निकाल देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्फ्रेड घर की साफ सफाई में भी मदद करता है। ये अलेक्सा की तरह बातें तो करता ही है, साथ ही होलोग्राफिक स्क्रीन की वजह से आपके सामने चीजों की 3D स्क्रीनिंग कर सकता है। नंबर 9 DJI Avata FPV। क्या आप भी मजा उठाना चाहते हैं उंडे का पर बिना घर से बाहर जाए, तो आपके लिए बनाया गया है ये ड्रोन। ये एक ऐसा ड्रोन है जो DJI गूगल और मोशन कंट्रोलर के साथ आता है। ये आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देता है। इसका कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन इसे छोटी जगहों के लिए परफेक्ट बनाता है और ये ड्रोन एक पॉपुलर गार्ड के साथ आता है। ये आपको हवा में रहने में मदद करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने पर ये पीछे आ जाता है। इसके साथ ही ये 4K अल्ट्रा वाइड एंगल रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। सबसे खास बात तो ये है कि आप इसके चश्मे को पहनकर एक VR का लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो कि एक बहुत ही अमेजिंग लेवल का मजा है ना दोस्तों। नंबर 8 विकिंग आर्म्स हैंडहेल्ड जैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैक का इस्तेमाल तो भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से कार में जैक लगाई जाती है जब आप उसका व्हील चेंज करते हैं तो जैक साधे रखती है आपकी गाड़ी को, जिससे कि आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है और आप अपनी गाड़ी के टायर बदलने का काम कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ करने के लिए आपके लिए इस तरीके की जैक बनाई गई है जिसका इस्तेमाल आप छोटे स्तर पर घर की छोटी मोटी चीजों को उठाने के लिए कर सकते हैं। इस जैक की खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद छोटी रहती है, जिसे कि आप हाथों द्वारा ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस जैक की मदद से आप आसानी से भारी चीजों को भी उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों फ्लोरिंग के दौरान इस गैजेट का इस्तेमाल किया जा सकता है गैप मेंटेन रखने के लिए। साथ ही अगर आप कहीं पर ड्रिल करना चाह रहे हैं किसी सेल्फ वगैरह को तो उस सेल्फ को आप टिकाए रख सकते हैं इस जैक की मदद से दीवार पर। तो इस जैक को खास तौर पर घरों के लिए बनाया गया है जहां पर इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 7 विंगमैन। अच्छा एक रोबोटिक स्केटबोर्ड कैसा रहेगा दोस्तों, जिसे कोई भी चला सकता है, इवन वो भी जिसे स्केटबोर्डिंग का लिटरली 0 एक्सपीरियंस हो, क्योंकि दोस्तों विंगमैन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, खुद ही ये अपने आप को बैलेंस बना रखता है। आप कहीं भी हो ये खुद चल के आपके पास आ जाएगा, बस इसका रिमोट ले लो हाथ में एंड इस पर खड़े हो जाओ और आराम से इसे पूरी सिटी में राइड करो। इसकी रेंज की बात करें यानी एक बार में कितनी दूर जा सकता है तो वो है 11 miles एंड इसकी मैक्स स्पीड रहती है 15 miles per hour। बाकी दोस्तों ये इतना स्मार्ट तो है ही कि आपको फॉलो कर सकता है, इवन इस पर आप अपना ढेर सारा सामान भी रख दोगे तो भी ये उसे कैरी करता रहेगा आपके लिए। नंबर 6 स्टेबिला पॉकेट प्रोब मैग्नेटिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेवलर्स का इस्तेमाल काफी जगहों पर किया जाता है चीजों को लेवल से लगाने के लिए। फिर अगर आप कहीं पर ड्रिल करने जा रहे हो या फिर कहीं पर कोई भी चीज में इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आप चाहेंगे कि आपकी चीज एकदम सीधी तरीके से फिट हो, तो वहां पर आपको जरूरत होती है एक ऐसे लेवलर की जो कि आपको ये बता सके कि क्या चीज एकदम सीधी है। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवलर्स को देखेंगे तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं जिन्हें आप हमेशा अपने साथ लेकर कैरी नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको एक ऐसा लेवलर दिखाने वाला हूँ जो कि इस काम में काफी बेहतर रहेगा। साइज में छोटा होने की वजह से आप इसे अपनी पॉकेट में या फिर बेल्ट क्लिप में लगाकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। वहीं ये लेवलर मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ भी आता है, इससे कि आयरोनिक सरफेस पर भी इसे आसानी से सेटअप किया जा सकेगा। साइज में छोटा होने की वजह से आप इसका इस्तेमाल कहीं भी आसानी से कर सकेंगे और ये उन जगहों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां पर नॉर्मल लेवलर को इस्तेमाल करने की जगह ही नहीं होती। तो अगर आपका भी काम सिविल से जुड़ा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के लेवलर को, क्योंकि हमेशा आपके साथ रहेगा।
नंबर 5 स्क्रैप ऑफ टूल की। दोस्तों मल्टी टूल गैजेट की खास बात ये होती है कि इन्हें आप अलग अलग तरीकों से कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा ही मल्टी टूल गैजेट ये भी रहता है जो कि देखने में आपको एक चाबी जैसा नजर आता है, लेकिन इसमें आपको छोटे छोटे 15 ऐसे मल्टी टूल देखने को मिल जाते हैं जिन्हें की आप अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे की इसमें आपको एक बोतल ओपनर, कैन ओपनर और साथ ही साथ एक कटर का फीचर भी मिल जाता है जो की काफी यूजफुल है, और इसके निचले हिस्से पर आपको एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी देखने को मिल जाता है। बच्चों को भी ये गैजेट काफी पसंद आएगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा प्रोटेक्टर भी रहता है जो कि मैथमेटिकली काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा, और इसमें एक छोटा सा रूलर भी देखने को मिल जाता है जिसका इस्तेमाल आप लाइनिंग वगैरह करने के लिए कर सकते हैं। तो छोटे छोटे काफी सारे टूल देखने को मिल जाते हैं इस गैजेट में, जिसे कि आप एक की रिंग की तरह भी हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, और जहां भी जरूरत हो एक मल्टी टूल की तो ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नंबर 4 मिलवाओ की M12 ब्रशलेस प्लेनर। अगर आपने कभी कारपेंटर को काम करते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्लेनर उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब भी लकड़ी को हल्का फुल्का काटना होता है या फिर फिनिशिंग देनी होती है तो वहाँ पर प्लेनर ही काम आता है। लेकिन ज्यादातर कारपेंटर अभी भी मैनुअल प्लेनर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे इस्तेमाल करना अपने आप में काफी टफ चैलेंज होता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत तो लगती है और साथ ही समय भी बहुत लगता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके एक एडवांस गैजेट को जो कि उनके काम को बेहद आसान बना देगा। ये एक तरीके का इलेक्ट्रिक ब्रशलेस प्लेनर होता है जिसकी खासियत ये होती है कि ये लकड़ी को प्लेन करने का काम चुटकियों में कर सकता है। वहीं इसमें आपको काफी लेस एफोर्ट करना पड़ता है इस्तेमाल करने के लिए। ब्रशलेस होने की वजह से इसमें साउंड भी काफी लिमिटेड रहती है जो कि इस प्लेनर को और भी खास बनाती है। वहीं दोस्तों इसमें आपको अलग अलग तरीके के ब्लेड्स और अटैचमेंट भी देखने को मिल जाती है जिनका इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 अर्का बोर्ड। दोस्तों आज की डेट में मार्टिका इमेजिनरी हावर बोर्ड एक रियलिटी बन चुका है मिलो इस अर्का बोर्ड से। ये एक ऐसा हावर बोर्ड है जो एक्चुअल में एयर में फ्लट करता है, वो भी एक पर्सन का वेट कैरी करते हुए। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है और इस फ्लाइंग मशीन में आपको 36 हाई पावर इलेक्ट्रिक डक्टर फैंस देखने को मिल जाएंगे जो कि इसे हावर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये हवा में बिल्कुल सीधा, मतलब बिल्कुल ही स्टेबल कैसे रहता है, तो वेल इसके लिए इसके अंदर एक बिल्ट इन स्टेबिलाईजेशन यूनिट भी मौजूद रहती है जिससे अर्का बोर्ड किसी भी सिचुएशन में फुल स्टेबल एंड बैलेंसिंग बना रहता है उड़ते टाइम। लेकिन अगर आपको चीजें एक्साइटिंग और थ्रिलिंग बनानी है तो उसके लिए एक आइडिया है, इसका स्टेबिलाईजेशन सिस्टम ऑफ करके आप इसे खुद अपनी बॉडी से बैलेंस कर सकते हो दोस्तों, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। ओवरऑल जैसे आपने बहुत सारी मूवीज में उड़ती हुई कार्स ये सब देख रखा होगा, तो मतलब वो टाइम अब ज्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीजें हम अपने बीच अपने सामने देखने को मिलेंगी। नंबर 2 आइस ब्रेकर। जब भी हमारे घर पर कोई गेस्ट आते हैं तो हम अक्सर उनसे कुछ ठंडा या गर्म पूछते हैं। गर्म तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ठंडे के लिए हमें अपने आइस बॉक्स को खोलना पड़ता है जहां उस टाइम बर्फ साफ है या नहीं। इस चीज की काफी टेंशन बनी रहती है क्योंकि अक्सर उस पर दूसरे सामान गिर जाते हैं और बर्फ काफी गंदी हो जाती है। ऐसे में अगर आपके सामने एक ऐसा आइस क्यूब मेकर हो जो आपके लिए पानी को बिल्कुल साफ रखे तो ये अगला गैजेट सिर्फ आपके लिए है। आप इसमें एक बोतल की तरह पानी भरकर फ्रिज में सकते हैं जिसमें कुछ गिरने या पानी गंदा होने का कोई डर नहीं। अब बात करते हैं कि आखिर इसमें से बर्फ निकलेगी कैसे, तो दोस्तों आप इसके दोनों तरफ से हैंडल देख सकते हैं। उस हैंडल को अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है जिससे अंदर मौजूद सारा बर्फ अलग अलग हो जाएगा। ये इतना छोटा भी है कि आप इसे फ्रिज के किसी भी कोने में रख सकते हैं, तो है ना ये कमाल की चीज। नंबर 1 क्रैप सेल। दोस्तों क्या अभी भी आप डेस्क पर रखा हुआ नॉर्मल कीबोर्ड यूज करते हो? अगर आपको एक ऐसा कीबोर्ड मिले जिसे आप एक गेम पैड की तरह से हाथ में लेकर उसे यूज कर पाओ तो कैसा रहेगा? वेल दोस्तों मिलो इस क्रैप सेल से। ये एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है जिसे आप डेस्क पर रखकर नहीं बल्कि हाथों में पकड़कर यूज करोगे, बिल्कुल एक गेम पैड की तरह। एंड बाय द वे गाइस, इसमें एक जॉयस्टिक ट्रैक बॉल भी रहती है। ये तो अलग अलग कलर्स में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे मुझे तो इसका व्हाइट वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अपना वही टिपिकल कीबोर्ड यूज करना चाहोगे या उसकी जगह ये ग्रैब करने वाला कीबोर्ड यूज करोगे, क्योंकि बाकी चीजों का तो पता नहीं बट गेमिंग जरूर इसे बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो दोस्तों अब है आपकी बारी, वीडियो को कर दो लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट एंड कूल गैजेट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी शानदार नई वीडियो में।